समंदर के अंदर डूबे हुए शहरों से लेकर अजीबोगरीब क्रिएचर तक दुनिया भर में पानी के अंदर बेशुमार मिस्ट्रीज पाई जाती हैं और पिछली कई सदियों से इन मिस्ट्रीज ने हम इंसानों को हैरत में डाल रखा है। इनमें से चंद मिस्ट्रीज घोस्ट शिप है। आप ये इमेजिन करें कि आप अपने बैरी जहाज पर समंदर में तैरते हुए जा रहे हैं। कुछ दूर आपको होराइजन पर कोई चीज तैरती नजर आती है। जब आप करीब जाते हैं तो आपको पता चलता है कि ये एक बैरी जहाज है। आप इस जहाज को सिग्नल देते हैं, इससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इस किस्म के जहाज को सस्पेक्ट किया जा सकता है कि ये घोस्ट शिप है। यानी जब आप इस जहाज पर पहुँचते हैं तो आपको पता चलता है कि जहाज पर किसी किस्म का कोई भी इंसान मौजूद नहीं है, ना जहाज का अमला ना ही मुसाफिर। चंद मिस्टीरियस घोस्ट शिप की आज हम बात करेंगे। द ऑक्टेवियस। दोस्तों, इस जहाज को 1775 में ग्रीनलैंड की कोस्ट के करीब एक फिशिंग बोट जिसका नाम हेरल्ड था, इसने देखा। जब इस जहाज को बोट किया गया तो हैरानकुन तौर पर जहाज का तमाम अमला बर्फ में जमा हुआ था। जहाज के कप्तान जिसका नाम जोनाथन बार्नेट था, इसके सामने लॉग बुक खुली हुई थी और इस पर आखिरी एंट्री 1762 की थी और ये जहाज मिला था 1775 में, यानी 13 साल बाद। और इन 13 सालों में ये जहाज समंदर में अपनी मर्जी से फ्लोट कर रहा था बगैर किसी अमले के। बताया जाता है कि ऑक्टेवियस एक बरतानवी तजारती जहाज था जो 1761 में ओरियंट के लिए रवाना हुआ था। नाज़रीन, दूसरे नंबर पर जिस जहाज का जिक्र करेंगे, इसका नाम था लेडी लॉबीबोर्न। इसको अगर आप मोहब्बत और इंतकाम की कहानी भी कहें तो ये गलत ना होगा। ये जहाज 1748 में इंग्लैंड से निकलता है पुर्तगाल के लिए, ठीक वैलेंटाइन से एक दिन पहले। इस जहाज के कैप्टन का नाम साइमन पील था और इसकी वाइफ जिसका नाम एनीटा था, ये जहाज पर हनीमून के लिए निकले थे। इस जहाज के अमले में मौजूद एक शख्स जो कैप्टन साइमन का दोस्त भी था, इसके बारे में बताया जाता है कि शायद वो कैप्टन साइमन की बीवी एनीटा से लव करता था। इसी वजह से इसने इंतकाम लिया और जहाज को रात के अंधेरे में चट्टानों के ऊपर चढ़ा दिया। जहाज का बॉटम डैमेज हो गया और जहाज अपने पूरे अमले समेत डूब गया। लेकिन हैरान कुन बात तो ये है कि इस जहाज को हर 50 साल बाद उसी डेट्स पर मुख्तलिफ मकामात पर फ्लोट करते देखा गया और ये सर्कल चलता रहा 1948 तक। आखिरी बार इस जहाज को फरवरी 1948 में देखा गया, लेकिन इसके बाद ये कभी नजर नहीं आया। एसएस बेचीमो। ये जहाज 1920 में स्कॉटलैंड में बनाया गया था। 1931 में अलास्का के करीब ये पैक आइस में फंस गया, यानी वो आइस जो जहाज के इर्द गिर्द जमा हो जाती है, इसकी वजह से जहाज चलने के काबिल नहीं रहता। पहली बार बर्फ में फंस जाने के बाद जहाज को निकाला गया, लेकिन कुछ ही देर बाद ये दोबारा बर्फ में फंस गया। इसके बाद जहाज के अमले ने इसको छोड़ा और अपनी लाइफ बोट में बैठकर करीब ही किसी सेफ जगह चले गए। लेकिन अगले दिन इनको पता चलता है कि ये जहाज जहाँ छोड़ा गया था वहाँ पर है ही नहीं। जहाज वहाँ से गायब हो चुका था। पता ये चला कि जहाज वहाँ से आइस से फ्री होकर 70 किलोमीटर दूर जा चुका था। ये खबर मिलते ही क्रू इस जहाज पर गया और जाकर देखा कि वो एक बार फिर बुरी तरह आइस में फंस चुका था। इस बार इस जहाज को नॉट सी वर्थी डिक्लेयर कर दिया गया, यानी ये जहाज अब समंदर में चलने के काबिल नहीं रहा। जहाज के अमले ने अपनी तमाम चीजें और कार्गो का कीमती सामान उठाया और वो इस जहाज को अबेंडन करके चले गए। लेकिन हैरतअंगेज तौर पर ये जहाज इस बर्फ से एक बार फिर फ्री हुआ और ये अगले 38 साल कभी कनाडा, कभी अमेरिका तो कभी अलास्का की कोस्ट के पास नजर आता था। और आखिरी बार इसको 1969 में देखा गया। इसके बाद ना तो ये जहाज मिला और ना ही इसका मलबा। हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर है ओजीएस, यानी द ओरिजिनल घोस्ट शिप। इस जहाज का असल नाम मैरिसलस था और ये 1972 में न्यूयॉर्क से जिनोवा इटली के लिए रवाना हुआ। इस जहाज पर 1500 बैरल अल्कोहल लोडेड था। इस जहाज के पीछे एक और जहाज भी रवाना हुआ था जिसका नाम डायग्रातिया था।
ये जहाज मैरी स्लस के 8 दिन बाद न्यूयॉर्क से रवाना हुआ था। जब दाय ग्रातिया अपने सफर पर रवा दवा था कि 8 दिन बाद मैरी स्लस को स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के पास अटलांटिक ओशन में ड्रिफ्ट करते पाया, यानी जहाज बगैर किसी खास डायरेक्शन के सिर्फ हवा और समुद्री मौजों के रहमो करम पर चलता दिखाई दिया। दाय ग्रातिया ने इस जहाज से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन इस जहाज से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। दाय ग्रातिया का अमला जब इस जहाज पर गया तो हैरान कुन तौर पर जहाज पर 1500 बैरल अल्कोहल तो मौजूद था, जहाज के क्रू का सामान भी मौजूद था, लेकिन जहाज पर अमला मौजूद नहीं था। जहाज की एक लाइफ बोट उतरी हुई थी और जहाज की लॉग बुक भी जहाज पर मौजूद नहीं थी। किसी को भी समझ न आई कि आखिर जहाज के अमले ने जहाज को अबेंडन क्यों किया था। बजाहिर यही लग रहा था कि अमले ने लॉग बुक उठाई और लाइफ बोट उतारी और चले गए, लेकिन हैरान कुन बात तो ये है कि आज तक इस जहाज का ना तो अमले का कोई फर्द मिला और ना लाइफ बोट और ना ही लॉग बुक। इस जहाज की कहानी अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना और गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।